आपका पैनल भी हो उसको चेक करो इसकी ग्रिपिंग पावर कितनी है। ओके तो वो एक बार लगाते हो कुछ तो सर में निकल जाती है, लगाते हो थोड़ा सा रोक भी आ गया तो ये नहीं है, इससे हमें चेक करना है। बहुत ही पेस्ट नहीं होना चाहिए।
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर जो आप फेस प्राइमर लगा रहे हैं पूरे में एप्लीकेशन किया बहुत है। हाँ, क्योंकि हमारे पास ब्राइड हम करते हैं छोटे छोटे ये सब है, ठीक है। हम अगर एजुकेशन देते हैं, हम टीचिंग करते हैं, वहाँ मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करना होता है, लेकिन हम जब ब्राइड करते हैं ना तो वहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना आपको, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। मॉडल का आपको पूरा फॉर्म भर के रखना बहुत जरूरी है, जिसका आपको मेकअप करना है, कि आपको मेकअप में हेल्प करता है जब आप मेकअप करने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है। कोई भी आप टेक्निक पे ध्यान दीजिए, सिर्फ टेक्निक पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट आपके पास जो पड़ा है वो भी अच्छे रिजल्ट देगा। मिक्स मैच पे करिए। मेरी जो क्लासेस करते हैं ये हमारे टीम की अपर्णा, सॉरी आपको इस बच्चे से मैंने मिलाया नहीं, ये हमारी टीम की अपर्णा है, अपर्णा दोस्त। और जो आगे हो मैं टीम की वजह से हो, ये बच्चा ये सारे बच्चे हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये हर चीज उनको पता होता है कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो ऐसी टीम है आप अपर्णा की भी, दो तीन पैलेट है मिक्स मैच करके हम काम कर रहे हैं।
जूवेट, वो भी बहुत अच्छे पैलेट है हमारे, उसमें भी कलर्स बहुत अच्छे, वो पैलेट कहाँ से लग रहे हैं उसे? सबसे पहले आप ट्रांजिशन लाइन लेके आ गए। अभी मैं इतना एक्सप्लेन अगर करूंगी तो शायद बहुत ज्यादा लेट होगा। सबसे लाइटेस्ट कलर ट्रांजिशन लाइन किसको कहते हैं? ये हमारा एक कलर से जब हम दूसरे कलर में जाते हैं तो जो बैरियर होता है वो होता है ट्रांजिशन लाइन। और प्रिज्म लाइन किसको कहते हैं? अभी प्रिज्म लाइन को बता रहे हैं, प्रिज्म लाइन हमारी नेचुरल लाइन दिखती है, सभी की आंखों में प्रिज्म लाइन दिखती है, वो हमारी शेप को प्रॉपर दिखाती है, आई शेप को प्रॉपर दिखाती है। तो सबसे पहले जो मैंने मॉडल का किया है, हमने एक ट्रांजिशन लाइन ब्रेस्ट नंबर 203 PAC का यूज किया है। जब हम ट्रांजिशन लाइन लेंगे तो हमारा ब्रेस्ट बड़ा होना चाहिए, कभी होना चाहिए, ओरिजिनल हेयर का होना चाहिए। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी हमारा आई मेकअप उतना ही अच्छा होगा, निकल के आएगा हमें आई मेकअप की। बहुत सारे आप लोगों को एक कंफ्यूजन होती होगी कि हम कलर को सेलेक्ट कैसे करें, है ना, कि हमें क्या कलर कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप लोग कभी भी, अभी की इतना टाइम नहीं है, आप लोग कभी भी गूगल से ऐसे कलर थ्योरी निकाल के पढ़ना, उसमें कलर स्कीम स्किम को आप पढ़िएगा। फिलहाल कोई नहीं, आप लोग जिसको भी ये सारी चीजें अच्छे नोट्स चाहिए होंगी, छोटे छोटे जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको थ्योरी भेज दूंगी छोटी छोटी, जो ये सारी है कलर स्कीम वगैरह की, कौन कौन से कलर हमें कैसे ले, स्कीम आपको पता होना चाहिए तभी आपका कलर निकल के आएगा। बैलेंस हमेशा चेक करना है, जब भी हम काम करेंगे तो दोनों सिमिलर हो, बैलेंस बार बार चेक करना है। अभी मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, तो जरूरत में हूँ लेना है, जहां भी आपको लग रहा है उसमें रहेगा, फिर रुकूंगी तो शायद लेट हो जाएंगे, तो मैं ये सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगी, अभी दूंगी, ओके। मेरे को लहंगे में भी देखना है कि इसमें कलर्स क्या क्या ज्यादा निकल के आ रहे हैं। अभी इसमें पीच है, रेड है, ग्रीन है, ग्रीन वैसे भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो ये हमारे स्कीम में ही आएंगे। तो इससे ट्रांजिशन लाइन जो हमने दिया है वो हम ले सकते हैं पीच, उसके बाद हमारा रेड भी यूज हो सकता है और ग्रीन भी यूज हो सकता है। तो मैं ड्रेस से तो देखना ही है, कोई भी डिजाइनर जब ड्रेस बनाता है ना तो वो भी कलर स्कीम के हिसाब से बनाता है, कलर को कलर थ्योरी के हिसाब से सेलेक्ट करता है। कुछ ही कपड़े ऐसे होते हैं जो आप इवेंट होते हैं, अदरवाइज जो भी हमारे डिजाइनर कपड़े होते हैं।